हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जंक टू ब्यूटी। और आज हम वापस आए हैं एक और बॉटल क्राफ्ट के साथ। और मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि आप बहुत ज्यादा जो आप जो हमारे बहुत सारे क्राफ्ट्स हो रहे हैं वो हमारे हो रहे हैं सारे क्ले से, तो उनके लिए क्या करें जो बिल्कुल सिर्फ पेंटिंग करना चाहते हो। तो उनके लिए आज वाला क्राफ्ट है और वो भी बहुत ईजी। तो जो लोग कैनवस पेंटिंग करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट डू इट ऑन अ बॉटल। तो आज सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक बॉटल। और आज जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपको इसके लेबल्स हटाने हैं। और लेबल्स कैसे हटाने हैं, लेबल्स हटाने के लिए आपको इसको सोक करना है पानी के अंदर। सोपी वाटर बना सकते हैं, कीप इट ओवरनाइट, और उसके बाद आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट। अब हमको चाहिए कोई भी पैलेट और उसके अंदर मेरा जेसो, दिस इज माय वाइट जेसो। और किसी भी बॉटल को बनाने से पहले मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमको एक जेसो का, दिस इज होममेड जेसो, किस तरीके से होममेड जेसो बनता है वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, दैट इज जंक टू ब्यूटी बाय आभा अरोड़ा। So now let's get started। और हमेशा डैब डैब कर कर ही मैं लगाती हूँ, डैब करने से स्ट्रोक्स नहीं दिखाई देते, राइट? तो हम फटाफट से पहले हमको इसके ऊपर टू कोट्स ऑफ जेसो लगाना है। टू कोट्स ऑफ जेसो से ये होता है कि बिल्कुल वो ट्रांसलूसेंट, बिल्कुल ट्रांस ओपेक हो जाता है इस तरीके से। इसको हमने लगाया और आज वाला जो है ये बहुत ही इजी है, कोई भी कर लेगा। और अगर आप इस पे कर लेते हैं तो आप कैनवस पेंटिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि बॉटल पे करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है काम, बट कैनवस इज इजी, क्योंकि ये कर्व्ड होती है इसलिए मुश्किल होता है बॉटल पे काम करना। तो अभी इसको हम ड्राई होने के लिए रखते हैं, ठीक है, लाइक दिस, अच्छे से एक फुट हो गया। अब इसको ड्राई होने के लिए रखेंगे एंड देन वी विल डू आवर सेकंड कोट। और अगर आप इसको थोड़ा ट्रांसलूसेंट रखना चाहते हैं कि अगर आप इसके अंदर लाइट्स लगाना चाहते हैं, देन कीप इट सिंगल कोट ओनली। चलिए आज वाला करते हैं, आज हम सिंगल कोट वाला ही करते हैं, ठीक है। इसको हम फटाफट से सुखा लेते हैं, इसको हम ड्राई करते हैं। और बहुत ही सुंदर, मेरे को तो ये लाइट सा हो जाता है। अब इसके बाद हमको चाहिए इसके ऊपर सीनरी बनानी है हमको। और सीनरी तो सब बोलते हैं कि बहुत मुश्किल लगती है, तो इजी सीनरी किस तरीके से बनाएं, तो इजी सीनरी भी बताएंगे हम किस तरीके से बन सकते हैं। तो अगेन हमको क्या चाहिए, मैं यही व्हाइट ले रही हूँ, ठीक है, यही व्हाइट लिया मैंने। और साथ में मैं लूंगी ब्लू कलर, ठीक है। अब मैं यहाँ यहाँ पे कौन कौन से कलर्स ले रही हूँ, दिस इज माय प्रशियन ब्लू, दिस इज माय टील ब्लू एंड दिस इज माय ब्लैक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैं थोड़ा सा, मैं ये वाला कलर जो है ये है मेरा कॉन्सेंट्रेटेड कलर है ये, तो मैं थोड़ा सा वाइट अलग कर लेती हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। और इसके अंदर मैं अपना ये थोड़ा सा टील कलर बना रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। बहुत ही सुंदर सा स्काई कलर बन गया, वेरी लाइट ब्लू,
इसको हम ऐसे रखते हैं और साइड पे इसको यहाँ पर अगर और कलर की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो ये पूरी हमारी बॉटल है उसके सेंटर से हम यहाँ पर व्हाइट कलर लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पूरी सर्कमफ्रेंस पे हम व्हाइट कलर लगाएंगे इस तरीके से। अभी आप देख रहे हो मैंने नीचे छोड़ दिया है, मैं सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं ये वाला ब्लू कलर ले रही हूँ और उसको मैं मिक्स करूंगी नीचे वाले व्हाइट के साथ। अब आप एक चीज देख रहे हो, मैं जो ऊपर की तरफ जो ब्लू लगा रही हूँ उस पर मैं ज्यादा डैब कर रही हूँ, और जब नीचे उसको व्हाइट के साथ मर्ज कर रही हूँ तो मैं बहुत हल्के हल्के हाथों से उसको मैं मर्ज कर रही हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को नीचे मर्ज दिखाना है व्हाइट एंड ब्लू का, जो स्काई ब्लू है उसका मुझे मर्जिंग दिखानी है। ठीक है, इस तरीके से। और आई डोंट नो कैमरा दिखा देख पा रहा है कि नहीं, बट यहाँ पर बहुत ही सुंदर मर्जिंग हो रही है लाइट एंड डार्क की। यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सुंदर व्हाइट एंड ब्लू हो गया है। और इस तरीके से ये मर्ज हो गया है। और मैं बार बार बोलती हूँ पेंटिंग एंड मेकअप इज लाइक द सेम थिंग, हमको बेस बहुत सुंदर बनाने की जरूरत होती है, सो वी नीड अ स्मूथ वन। अब मैंने यही वाला जो कलर मैंने मिक्स किया था उसको मैं थोड़ा डार्क लेकर मैं ऊपर ले रही हूँ यहाँ पर अलोंग विद सम वाइट, वो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा अब इसी का डार्क कलर चाहिए मुझे। अभी मुझे और चाहिए होगा व्हाइट कलर क्योंकि यहाँ पर मुझे स्काई के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स दिखाने हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी हम व्हाइट और लेंगे यहाँ पे क्योंकि अब नीचे भी मिक्स करना है इसको। अब देख रहे हैं इसको कितना हमें लेयर्स में जाकर शेडिंग करनी होती है। इस तरीके से कि आपके जो सारे ब्लू के अलग अलग शेड्स हैं वो दिखाई दें। तो अभी यहाँ पर हमें दिखाई देने लग गए हैं, दिख पा रहे हैं आप बिल्कुल लाइट, देन उससे लाइटेस्ट लाइट एंड डार्क। अभी हम इसके ऊपर जो करेंगे वो हम करेंगे प्रशियन ब्लू, तो वो और ज्यादा डार्क में आएगा। अब मैं लूंगी इसको मिक्स किया और यहाँ पर अब मैं लूंगी ये प्रशियन ब्लू और मैंने इस तरीके से लिया और मैं इसको ऊपर डैप कर रही हूँ। थोड़ा इस तरीके से करती हूँ, मैं इस तरीके से किया ठीक है लाइक दिस। अभी हमें यहाँ पे फिर दोबारा मिक्सिंग करनी पड़ेगी और ये सारी मिक्सिंग जो होती है ये होती है हमारी व्हाइट कलर के साथ। जो व्हाइट है वो हमारे सारे कलर्स को ब्लेंड कर देता है। ये हुआ, देन अगेन आई टेक लिटिल बिट ऑफ व्हाइट हियर। और आप देख रहे हैं आपको पैलेट की भी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पैलेट नहीं है दिस इज माय किसी कार्टन किसी चीज का ढक्कन है ये किसी बॉक्स का एंड यू कैन यूज इट, दैट इज व्हाट जंक टू ब्यूटी इज अबाउट, यूज योर जंक टू क्रिएट ब्यूटी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर एक और कलर का एडिशन हो गया राइट, ब्लू का एक और शेड आ गया इस तरीके से।
इस तरीके से किया मैंने, और मैं बहुत लाइट शेड से कर रही, बहुत हैंड जो है मेरे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा मैं और इस तरीके से वाइप लूंगी यहाँ पर, ये मुझे अभी और अच्छा नहीं लग रहा, तो जो मैंने पहले वाला कलर लिया था उसको मैं हल्का सा लूंगी इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ लगाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर इन दो ब्लूज को मिक्स करना है। ठीक है, इस तरीके से। सी, ब्लेंडिंग इज द गेम, जितना सुंदर ब्लेंडिंग होगा उतना सुंदर आपका काम बनेगा। तो ये जो स्टेप्स हैं इनको बिल्कुल नहीं हमको स्किप करना होता कि इधर हमको जल्दी जल्दी कर दें तो हम नहीं कर पाएंगे। अब आप देख रहे हो, अब मुझे थोड़ा सा इसको मैं साइड चेंज कर लूंगी क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ब्लू कलर लगा हुआ है तो वो मेरे को ब्लेंड नहीं करने दे रहा। तो अब मैं इस तरीके से व्हाइट के साथ में इसको ब्लेंड कर रही हूँ। सी, अब ये अच्छी ब्लेंडिंग हो रही है यहाँ पर, बहुत लाइट हैंड के साथ हम ब्लेंड कर रहे हैं जिससे पता नहीं चले कि कौन सा कलर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर मिक्स हो गया। ठीक है, तरीके से यही देखो, अब यहाँ पे नीचे डार्क हो गया मेरे से, मैं फिर दोबारा व्हाइट कलर लूंगी और इन कलर्स को मैं बंद कर दूंगी। ठीक है, एक्रेलिक कलर्स को साथ साथ में बंद करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब मैं यहाँ पर और वाइट ले रही हूँ, इस तरीके से लिया मैंने अपने एक्रेलिक, दिस इज एक्चुअली माय जेसो और यू कैन सी माय चॉक पेंट, सो इट्स वन एंड द सेम थिंग, आई रियली लव यूजिंग इट। और अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइट ही ले रही हूँ क्योंकि मेरे स्पॉन्ज के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा ब्लू है, तो यहाँ जो हम कर रहे हैं, हम जो जब हम कर रहे हैं तो ये हमको लाइट ही बिल्कुल लाइट ब्लू कलर हमको दे रहा है। ठीक है, कहीं पर अगर लग रहा है तो थोड़ा सा ये लिया और डार्क लिया और डार्क, आपको अब एक्स्ट्रा ब्लू कलर लेने की जरूरत नहीं है। ये समझ आ रहा है, बहुत अच्छी सी शेडिंग हो रही है यहाँ पर, यहाँ पे जो सारे ब्लूज हैं वो आपस में मर्ज कर रहे हैं, कौन सा कलर कहाँ से चल रहा है पता नहीं चल रहा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, थोड़ा ये देखो बीच बीच में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है ये। अब यहाँ पर मैंने यहाँ तक इसको लिया, अब आप पूरा एक फटाफट से देखो, यहाँ पर आपको बहुत लाइट लग रहा होगा इधर वाला, देन यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है ना, एंड ऊपर डार्क है, इस तरीके से ग्रेडियंट दिखा रहा है आपको कलर्स का, राइट? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब हमें क्या करना है, अभी तक तो हमने ब्लैक कलर यूज ही नहीं किया, जो मेरा डार्क कलर है ये वाला जो मेरे इट साइड पे लगा हुआ था उसको मैं नीचे नीचे लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से लिया मैंने। That's it. अब मुझे क्या करना है, अब मैं लूंगी बहुत 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 कम ब्लैक कलर, ये रहा मेरे पास ब्लैक कलर, और इस ब्लैक को जब मैं लूंगी तो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल कि बहुत ही थोड़ा सा ही ब्लैक लगे, बिकॉज ब्लैक जब लगता है तो ब्लैक अब सभी कलर्स को अपने में मिक्स कर लेता है। ठीक है, तो ये अभी मुझे बहुत ही केयरफुली यहाँ पर ब्लैक लेना है,
और मैं बहुत थोड़ा थोड़ा कलर ले रही हूँ ब्लैक का, कि ये ज्यादा ना हो जाए कहीं, बहुत डरते डरते, राइट। और मैं उसी ब्लू के साथ में इसको मिक्स कर रही हूँ इस तरीके से। और देखो ब्लेंडिंग का एक होता है कि एक लाइन में कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे हमको करना होता है इस तरीके से, कि पता नहीं चले कि कौन सी चीज कहाँ से स्टार्ट हुई है, देखना देखने वाला कंफ्यूज ही रहे कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तब पता चलता है कि ये अच्छी ब्लेंडिंग हुई है। यहाँ पर थोड़ा और लिया क्योंकि ये अब लाइट होता जा रहा था, इसको मैंने इस तरीके से ब्लेंड किया है। तो यहाँ पर ये हो गया ऑलमोस्ट डन, इट इज डन। अब जो मेरे पास ऊपर था, ऊपर भी मैं यही वाला जो ब्लैक कलर है, मैं बिना ज्यादा कलर लिए यही वाला जो ब्लैक कलर जो मेरे स्पॉन्ज में लगा हुआ है वो मैं सबसे ऊपर कर रही हूँ, और जो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस वो मेरे हल्के हल्के ब्लू के साथ इसको मैं मर्ज कर रही हूँ जो मेरे डार्क ब्लू के साथ था ऊपर, राइट। यहाँ पर इस तरीके से कहीं पर लाइट, कहीं पे जब कहीं बहुत ज्यादा नीचे तक, कहीं पर ऊपर तक, हमको एक लाइन में लिंक करना है, ठीक है, लाइक दिस। एंड अभी इतना इट इज रेडी, ठीक है, यहां तक इट इज इजी। अब हम इसको ड्राई होने के लिए रखेंगे, इसको फटाफट ड्राई करते हैं, देन आई विल टेल यू व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप। एक बार अच्छे से देख लेंगे कि कहीं पे कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि बाद में इसे ठीक करना विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। लेट मी क्लियर माय हैंड वॉश, लेट मी वॉश। अब ये हो गया, अब मैं इसको फटाफट से सुखा लेती हूँ। एंड गाइस प्लीज डू शेयर माय वीडियो, आई होप आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं इजी क्राफ्ट लेकर आऊं, बिकॉज क्राफ्ट इज फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं है कि कोई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं क्राफ्ट। तो प्लीज डू शेयर इट। ओके तो दिस इज डन, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है हमको, हमको चाहिए एक टूथब्रश। क्या चाहिए हमको, चाहिए एक ओल्ड टूथब्रश, और हम लेने वाले हैं थोड़ा सा व्हाइट कलर इस तरीके से। मैंने लिया और मैं इसको इस तरीके से, ये थोड़ा थिक है इसको मैं थोड़ा सा पतला करती हूँ। सी व्हेन आई मेक मिस्टेक्स, राइट, मैं भी सीख रही हूँ। मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसी में कर लिया, और अब ब्रश में लिया और इसको इस तरीके से कर दिया। तो ये बन जाएगा मेरा स्टारी स्काई। दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, आई डोंट नो कि कैमरा इज एबल टू कैच इट और नॉट। इस तरीके से हमने कर लिया और हम काफी नीचे तक करने वाले हैं इसको, और थोड़ा सा मैं और कलर लेती हूँ, ये कम लग रहा है, ठीक है।
तरीके से, काफी जो अभी आ रहा है ना ये बहुत फाइन आ रहा है। पहले हम इसको इस तरीके से कर देंगे एंड देन कहीं कहीं पे जहां हमको थोड़े मोटे मोटे अगर दिखाने हैं तो वहां पर हम दिखाएंगे थोड़े थोड़े मोटे स्टार्स। उसको भी मैं बताती हूँ किस तरीके से करेंगे, पहले इतना करें। ओके, सो दिस इज डन। यहां तक इट इज लुकिंग वेरी प्रिटी। जब मैं आपको इसकी फोटोग्राफ भेजूंगी देन आई विल शो यू कि ये कितना सुंदर लग रहा है। नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं जो ये मेरा पास ब्रश है इसी ब्रश से मैं कहीं कहीं पर मैं डॉट्स डाल देती हूँ। जैसे कहीं कहीं पर बड़े बड़े स्टार्स भी दिखाई दे रहे होते हैं ना हमको, उस तरीके से मैं डाल देती हूँ। इट इज लुकिंग गॉर्जियस, बिलीव मी इट इज लुकिंग अमेजिंग। और जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि इसमें कोई वो नहीं है, इसको आप कैसे भी करो, और अगर चाहो तो हल्का सा जैसे मीटियोराइट की तरह होता है आप इसको फैला भी सकते हो, वेरी लाइटली, क्योंकि बिल्कुल सर्कल तो नहीं होते, सो हल्का हल्का इसको हिला भी सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो नाउ इट इज डन। यहां तक का काम हो गया है हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमको चाहिए ब्लैक कलर, तभी मैंने अभी तक इस ब्रश को धोया नहीं था, इसका काम खत्म। ओके, अब मुझे चाहिए ब्लैक कलर, और इस ब्लैक कलर से मैं बनाऊंगी पतली पतली लाइंस। ठीक है, और दूर दूर बना रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली 1 इंच की दूरी पे, और कोई बड़ी कोई छोटी उस तरीके से बनेंगी है, नहीं इस तरीके से। आप सेम टेक्निक यू कैन यूज ऑन कैनवस एज वेल, मैंने बड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया और ये यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब ये मेरे राउंड ब्रश का काम खत्म हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है मेरे पास अच्छा वाला ब्रश, दिस इज माय न्यू फ्लैट ब्रश, और एक मेरे पास है गंदा ब्रश। गंदा ब्रश क्या होता है, जो कि बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। कैन यू सी द ब्रिसल्स, ब्रिसल्स जो है ये बहुत खराब है। तो मेरे को तो ये पसंद है क्योंकि मेरे को बनाना है इसके लीव्स बनानी है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास गंदा ब्रश नहीं है देन यू कैन टेक द फ्लैट ब्रश, ऊपर से आप पहले आप ऐसे लेंगे, आप स्टैंडिंग लाइन में लेंगे, कलर लिया एंड देन स्टैंडिंग लाइन, और जैसे नीचे आते जाएंगे आप इसको स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। ठीक है, समझ आया, मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले स्टैंडिंग लाइन में इस तरीके से करेंगे, और फिर जब नीचे आते चले जाएंगे तो हम इसको स्लीपिंग में कर लेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। चलो तो इसी से बना देते, क्योंकि सबके पास नहीं होते हैं गंदे ब्रश लाइक मी, राइट। तो इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, इस तरीके से हमको ट्रीज की लीव्स बनानी है, राइट। इट इज वेरी 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 इजी। जो ये ब्रश है ये अपने आप ही उसको शेप दे रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तरीके से मैंने, आप देख रहे हो ये मेरा एक ट्री बन गया इस तरीके से। माई फर्स्ट ट्री इज रेडी, कैन यू सी।
अब मैं आती हूँ दूसरे ट्री के ऊपर, उसी तरीके से करेंगे। पहले स्टैंडिंग में कर रहे हैं हम, और नीचे आते आते तक हम फिर स्लीपिंग हो जाएंगे। इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओनली मूव योर ब्रश इन रैंडम मोशन इस तरीके से। ये इस तरीके से मेरा दूसरा ट्री भी बन गया। इजी है राइट? इस तरीके से मेरा दूसरा ट्री भी बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे ट्री पे। इसी तरीके से हमें पूरा ये कवर करना है। ठीक है, ओके। तो अब मेरा पूरा का पूरा रेडी है। अब आप देख सकते हैं मैंने सब तरीके की तरफ से मैंने बना लिया है, पूरे तरफ सारे ट्रीज बन चुके हैं और ये बहुत ही प्रिटी नाइट सीन लग रहा है। और आप ये सेम टेक्निक यूज कर सकते हैं ऑन अ कैनवस, यू कैन यूज इट, और ये बहुत ही प्रिटी लगेगा राइट। अब जब ये हो गया है, अब क्या करना है? अब हमको करना है इसको वार्निश। मैंने आप लोगों को बताया था हमको चाहिए वार्निश, दैट इज वाटर बेस्ड। वार्निश लिया और ब्रश लिया हमने, फ्लैट ब्रश, और जो ब्रश है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो ब्रश लिया और जैसे ही हम इसके ऊपर वार्निश करेंगे, आप एक अलग तरीके की इसके ऊपर शाइन देख सकते हैं। ये बहुत ही प्रिटी शाइन आ जाती है और एक ना बहुत ही बिल्कुल एकदम से लुक चेंज हो जाता है वार्निश से। बहुत ही पॉलिश्ड लुक लगता है और बहुत ही एकदम से प्रोफेशनल लुक लगने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है आपका जो वर्क है वो भी प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम वार्निश कर रहे हैं तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है ये। अब इसमें हल्की हल्की शाइन आ गई है, ग्लेज, हाँ ग्लेज इज द राइट वर्ड, इट्स गिविंग अ ग्लेज्ड लुक। And this is water-based varnish from Asian Paints. You can use any other varnish as well, but I am using this one and I am loving it. ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। अब आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। आप इसको यूज करिए एज अ बॉटल प्लांटर, आप इसको यूज करिए एज अ यू नो, आप इसके ऊपर यहाँ पर लैंप लगा सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगता है। और आप इसको एज अ डेकोरेटिव पीस भी यूज कर सकते हैं। सो डू लेट मी नो हाउ यू फाउंड इट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर। Till then, bye-bye.